सभी किसानों, मंच पर बैठे हुए सभी मेरे नेतागण, पुलिस प्रशासन के लोग, पत्रकार बंधु, मेरी माताएं बहनें, 110 दिन के आसपास हो गए कि दिल्ली के चारों तरफ करीब 5 लाख से ज्यादा लोग बैठे हुए हैं। सुन लो बात, सुन लो भाई, काम की बात सुन लो। आपकी उसमें बात होगी, इनको प्रेस वालों को अपना काम करने दो, आप बैठे रहो, सब आवाज आएगी भाई। क्या खेल होने वाला है देश में, खेला होवे खेला, क्या खेला होवे वो देखना है, वो बताएंगे हम बंगाली भाषा में ही बताएंगे। जब भारत सरकार 5 लाख से ज्यादा लोगों से नहीं डर रही, जो दिल्ली के चारों तरफ डेरा डालने बैठे हैं, जिसने पक्के मकान सड़कों के ऊपर बना दिए, तो आपका क्या खेल करेगी सरकार वो हम बताते हैं, क्या होगा बंगाल के साथ में। वे एक मुट्ठी चावल मांगते हैं आपसे, आप उनसे भाव की बात करो कि 1850 रुपए जो भारत सरकार का भाव है वो कब मिलेगा हमारे। जिस खेत में हम बैठे हैं, ये चावल का खेत है, इसका रेट है 1850 रुपए, 18 रुपए 50 पैसे किलो, ये सरकारी रेट है। जब आपसे वोट मांगने आए तो वो जरूर मांग लेना उनसे। इसी के लिए बैठे हुए हैं दिल्ली में कि MSP पे, मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे देश में कानून बने। अगर वो बंगाल का किसान है, दूसरी फसलें हैं वो भी कम रेट पर बिका जाए। अभी आपके साथ में क्या होगा जो उत्तर प्रदेश और आसपास के क्षेत्र में हुआ है, वो हुआ है कि 10 साल पुराना ट्रैक्टर आप नहीं चला सकते, 10 साल पुराना पंपिंग सेट आप नहीं चला सकते। आपके यहां 15 साल का होगा भी, 15 साल में जो भी डीजल से चलने वाला सिस्टम है आपका, वो आपके यहां पे बंद है। और कर्नाटक, तमिलनाडु, जितने भी बड़े बड़े स्टेट है, कलकत्ता, इसके भी चारों तरफ NCR लागू होगा एक किस्म से। जो एक मिनट सुन लो भाई, इसके आसपास भी जैसे NCR में है, इसके आसपास भी NGT और वेट कई लाख किसानों के कब्जा है कि MSP पे खरीद नहीं हो रही। दूसरा सबसे बड़ा खेल होगा, बड़ी बड़ी कंपनी आएगी जिसको देश बेचा जा रहा है, वे कंपनी आएगी समुद्र में मछली पकड़ने के लिए भी, बड़ी कंपनी आ रही है। मछुआरा का जो किसान है, जो समुद्र के पास का किसान है, उसको बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। उसके बाद में नुकसान होगा जो आपके घर के बाहर गड्ढे बने हैं, जिसमें आप मछली पकड़ने का काम करते हो, घर के घर में ही, ये पूरे बंगाल में है, ये बंद होंगे। वो कानून भी आएगा, जैसे दूध पे कानून आ रहा है कि डब्बे के अंदर एक किसान अपने पड़ोसी को भी दूध नहीं बेच सकता, ऐसे ही यहां पे भी ये कंपनियां काम करेंगी। क्या किसान जिंदा रह सकता है? ये बड़ी बड़ी कंपनियों के हवाले हैं, देश को करा जा रहा है। अगर किसी पार्टी की सरकार होती तो वो बात कर लेती, ये पार्टियों की सरकार नहीं, इस सरकार को कंपनी चलाती है। बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो सरकारों को चलाने का काम कर रही है, वॉलमार्ट जैसी कंपनियां, टेलीकॉम बेच दिया, हवाई जहाज बेच दिए, एयरपोर्ट बिक गए, रेलवे बिक्री है। अब अगला काम किसानों का है, किसानों का। पिछले 100 दिन से किसान बैठे हुए हैं, देश का किसान, कई लाख आदमी बैठे हुए हैं, 300 के आसपास लोग हमारे शहीद हो गए हैं,
उसके बाद में भी सरकार बात करने को भी अभी तैयार नहीं है। यह आंदोलन पूरे देश में खड़े करने पड़ेंगे, यह आंदोलन डिस्ट्रिक्ट वाइज खड़े करने पड़ेंगे, आपको बैरिकेटिंग और बैरियर तोड़ने पड़ेंगे, बड़े आंदोलन होंगे। यह आंदोलनकारियों की धरती है, आपको आंदोलन लड़ाई आपको लड़नी पड़ेगी। वो लड़ाई बाद की होगी, पहले ये है कि यहाँ पे इलेक्शन है, जब यहाँ पे आए तो प्रेस के लोग और सब लोग इलेक्शन की बात जरूर करेंगे। हमारे संयुक्त मोर्चे ने तय करा है कि हम बंगाल में जाएंगे, बंगाल के लोग उसे अपील करेंगे कि आप दिल्ली आकर आंदोलन नहीं कर सकते, आपके वहां पे इलेक्शन है, आप बीजेपी को हराने का काम करो, आप उसको वोट मत दो, उसको हराने का काम करना। नहीं कर सकता, ये कानून बनेगा। हमने कहा कि प्रधानमंत्री का पायलट प्रोजेक्ट है डिजिटल इंडिया, जो 23 किसानों का फसलें जो उगाता है किसान, जिसकी एमएसपी तय है, उन किसानों को उस डिजिटल इंडिया कैंपेन से जोड़ दिया जाए। किसान ने फसल बेची, जब तक वो अपने घर पर जाए अकाउंट में उसके पैसा पहुंच जाए। किसान को उससे नहीं जोड़ोगे, किसान की फसलों को लुटाई करोगे। 700 रुपए से लगा के और 1000 रुपए क्विंटल तक उसकी फसलों को खरीदोगे, के गोदामों पे व्यापारियों का ताला नहीं लगेगा। यह आंदोलन जब तक जारी रहेगा, जब तक ये काने कानून वापसी नहीं होंगे, इनको खत्म करना पड़ेगा सरकार को। ये 3 मिल नहीं है, दूध के ऊपर भी ला रहा है। अभी अगर कोई आदमी यहाँ पे पशुपालन का काम करते होंगे, अगर किसी के पास में 2 पशु होंगे तो कॉमर्शियल कनेक्शन लेना पड़ेगा उसको गाँव में भी, ये भी ला रहा है। ये लड़ाई जारी है, इस लड़ाई में सब लोगों को साथ देना चाहिए। रेलवे के कर्मचारी 2022 में अगले साल 4.5 लाख कर्मचारी हट जाएंगे। वॉलमार्ट जैसी कंपनी आ रही है, उसके पास में 10,000 पानी के जहाज हैं। उसका पहला ये है कि जो साप्ताहिक बाजार लगते हैं, वे साप्ताहिक बाजार पूर्ण रूप से बंद होंगे। उसमें पूरे देश में 4.5 करोड़ लोग रोजगार